मैं आप लोगों से कई बार बोल चुका हूँ कि इस तरह के जो भी सूचकांक हैं, जो भी इंडेक्स हैं, उनके बारे में विस्तार से आप लोग जानकारी एकत्रित करके रखा करिएगा, क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। फिर चाहे वो आपका स्टेट पीसीएस हो या फिर सिविल सर्विस का प्रारंभिक परीक्षा हो, फिर आप लोग वन डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, तो जैसे अभी आप बात करेंगे भारत नवाचार सूचकांक और एक होता है वैश्विक नवाचार सूचकांक, तो इन दोनों के बारे में आप लोग याद रखा करिएगा। जो भारत नवाचार सूचकांक है, ये राज्यों की एक तरह से रैंकिंग प्रदान करता है, और जो आपका वैश्विक यानी कि विश्व स्तर पर है, ये क्या करता है, देशों की विश्व स्तर पर जो भी देश हैं उनकी रैंकिंग के बारे में बताता है आपको। तो हमेशा इंडेक्स, अगर कोई भी इंडेक्स है आपका, तो उसके बारे में पहले तो याद रखा करिएगा कि कौन जारी करता है, उस संगठन के बारे में भी याद रखा करिएगा जो इसे जारी करता है, फिर इसमें भारत की स्थिति क्या है और किन आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए इसे तैयार किया गया है, इस पर भी आप लोग याद रखा करिएगा। क्योंकि जब आप कहीं भी, हो सकता है कि आप लोग लिखित परीक्षा में आंसर लिख रहे हैं मुख्य परीक्षा का क्वेश्चन, तो उस समय भी आप देखते होंगे कि आपको दो राज्यों में तुलना करनी है, या दो राज्यों में, छोड़िए आप लोग, दो देशों में तुलना करनी है, तब भी आप लोग इन आंकड़ों का उपयोग कर सकते हैं, इनकी रैंकिंग का उपयोग वहां भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो भारत नवाचार सूचकांक 2020 अभी आपने देखा है जारी किया गया है। नीति आयोग ने भारत नवाचार सूचकांक का दूसरा संस्करण जारी किया है, इसे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की तर्ज पर विकसित किया गया है। जो आप देखते हैं ना कि ग्लोबल यानी कि वैश्विक स्तर पर जो आपका नवाचार सूचकांक जारी किया जाता है, उसी के एक तरह से आप कहिए आधार पर इसे विकसित किया जाता है। नीति आयोग के बारे में आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, ये योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके आया हुआ था। कब आया ये? आया था आपका 1 जनवरी 2015 को। कब? 1 जनवरी 2015 को। और इसके बारे में याद रखिए, इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। ठीक है, याद रखना। अगर भारत नवाचार सूचकांक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों की बात करें हम लोग, तो भारत नवाचार सूचकांक नीति आयोग और इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा तैयार किया जाता है। तो ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन आपसे कि जो भारत नवाचार सूचकांक जारी किया जाता है, कौन कौन इसे जारी करता है मिलकर, तो याद रखना नीति आयोग और इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के द्वारा मिलकर एक तरह से इसे तैयार किया जाता है। इस इंडेक्स का तैयार करने का उद्देश्य आखिर क्या है? जब आप देखते हैं कोई रिपोर्ट आती है, कोई इंडेक्स आता है, तो किसी उद्देश्य के आधार पर तो आता है, उसका उद्देश्य तो होता है ना। तो इस इंडेक्स का उद्देश्य भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नवाचार को प्रोत्साहित करने और उनके बीच नवाचारों के लिए एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का माहौल तैयार करना है। नीति आयोग की यह पहल वैश्विक नवाचार सूचकांक की तर्ज पर जारी किया जाता है, जो देशों के मध्य नवाचार के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ावा देती है। जो आप देखते हैं ना कि एक तरह से वैश्विक स्तर पर जो जारी किया जा रहा है, वो एक तरह से देशों के बीच होता है और ये राज्यों के बीच होता है। ठीक है, भारत का जो नवाचार सूचकांक है, ये भारत के जो भी राज्य हैं उनके बीच होता है। नीति आयोग द्वारा जारी सूची के माध्यम से क्षेत्रीय स्तर पर नवाचार की चुनौतियों का सामना करने में मजबूती मिलेगी, यानी कि क्षेत्रीय कहने का मतलब अपने बने राज्य की। इस सूची में आप देखेंगे राज्यों को 3 भागों में विभक्त किया गया है, बड़े राज्य और फिर उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्य। उत्तर पूर्वी इन राज्यों की बात कर रहा हूं, देखिए आप लोग ये हैं आपके, ठीक है, इनकी बात करें। और उसके बाद आप देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश और छोटे राज्य, ठीक है, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं या फिर छोटे सिक्किम जैसे छोटे राज्य हैं उनकी बात कर रहा हूं। इस सूचकांक को तैयार करने में 2 मुख्य पहलुओं को ध्यान में भी रखा गया है। पहला है नवाचार क्षमता और दूसरा है नवाचार परिणाम। क्या रहता है कि इस तरह भी क्वेश्चंस बन जाते हैं कि सूचकांक को तैयार करने में किन आधारों का उपयोग किया गया है, किन बातों का ध्यान में रखा गया है। तो याद रखिए, एक तो नवाचार क्षमता और दूसरा है आपका नवाचार परिणाम। भारत नवाचार सूचकांक का पहला संस्करण वर्ष 2019 में जारी किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो भारत नवाचार सूचकांक है, इसे पहली बार कब जारी किया गया था? तो याद रखना है 2019 में पहली बार इसे जारी किया गया था। ठीक है, अगर भारत नवाचार सूचकांक 2020 के कुछ प्रमुख तथ्यों की बात करें हम लोग, तो भारत नवाचार सूचकांक 2020 यानी कि 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक को पहला स्थान मिला, प्राप्त हुआ है। अब आप कहेंगे कर्नाटक कहाँ है, तो आप जाइए नीचे आप लोग, ये है कर्नाटक, दिख रहा है आपको, इसकी राजधानी बेंगलोर है। इसकी सीमा आप देखेंगे तमिलनाडु से भी लगती है, केरल से भी लगती है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, और यहाँ आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र से भी लगती है, यहाँ आपका गोवा से भी लगती है। ठीक है, तो इसके बारे में भी याद रखा करिएगा, कई बार क्वेश्चंस बन जाते हैं इस तरह के, पूछ लेता है कितने राज्यों की सीमा, कितने इस राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगती है, अंतरराष्ट्रीय सीमा कहाँ लगती है, समझ रहे हैं आप लोग। एमपीपीएससी में आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि इस तरह के क्वेश्चन
आ जाते हैं, ठीक है? तो इनके बारे में भी याद रखा करिएगा, और जब इस तरह के चर्चा में रहते हैं ना राज्य, तो उनके बारे में और भी क्वेश्चंस बन जाते हैं कि यहाँ कितनी सीटें हैं, क्या हैं, लोकसभा की सीटें क्या हैं, राज्यसभा की सीटें क्या हैं, विधानसभा की सीटें कितनी है, इसकी राजधानी क्या है, इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है। क्या कर लेता है? पूछ लेता है, समझ रहे हैं आप लोग? और वैसे भी आप लोग राज्यों के बारे में मुझे लगता है कि एक क्रम इनका याद रखना चाहिए, और इनका एक तरह से आप कहिए जिस तरह से आप देखते हैं ना कि आपको हनुमान चालीसा याद हो जाता है या कोई और आरती याद हो जाती है, उसी तरह आप लोग इन्हें भी याद रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इन्हें भी आप लोग याद रख सकते हैं, और इनके बारे में क्रम से याद रखिए कि किस राज्य की कौन सा राज्य है। जैसे आपने कर्नाटक देखा हुआ है, क्या देखा? कर्नाटक, इसकी राजधानी हो गई बेंगलोर। अब आपसे पूछे इसकी कर्नाटक राज्य की कितने राज्यों से सीमा लगती है, तो आप देखेंगे केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना, महाराष्ट्र, और ये गोवा है, ठीक है? तो इसके बारे में याद रखिए। और अगर आपसे पूछे कि असेंबली सीट यहाँ यानी कि विधानसभा सीटें कितनी है, तो आपको देखने को मिलेगी 224 सीटें हैं, और यहाँ विधान परिषद भी देखने को मिलेगी 75 सीटें हैं, लोकसभा की 28 सीटें हैं और राज्यसभा की यहाँ 12 सीटें हैं, ठीक है? और इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। तो जो आपका भारत नवाचार सूचकांक 2020 जारी किया गया है, उसमें कर्नाटक पहले नंबर पर है, किन बड़े राज्यों की बात कर रहा हूँ, ठीक? और उसके बाद आप देखेंगे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र आपको यही कर्नाटक के ऊपर देखने को मिलेगा, यह है महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर है, और तमिलनाडु और तेलंगाना और केरल का स्थान है। तो आप कहिए कि एक तरह से ये सभी जुड़े हुए हैं, देखिए ये केरल है, तमिलनाडु है, ये तेलंगाना है, तो पहले नंबर पर आपका कर्नाटक पहला ही क्वेश्चन इस तरह का पूछा जा सकता है। या फिर आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अपने अपने स्टेट का भी एग्जाम का जो भी अपने राज्य को रैंकिंग मिली होती है उसके बारे में याद रखा करिएगा, ठीक है? केंद्र शासित प्रदेशों और उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्यों में बात करें तो दिल्ली और हिमाचल प्रदेश क्रमशः शीर्ष स्थानों पर रहे हैं। दिल्ली की बात करें तो आप जानते हैं दिल्ली तो हमारी राजधानी भी है, ये दिल्ली देखने को मिलेगी और ये हिमाचल प्रदेश देखने को मिलेगा, ठीक है? याद रखिए हिमाचल प्रदेश की सीमा आप देख रहे हैं ना, ये इसकी चीन से लगती है, ठीक है? याद रखिए। और भारत नवाचार सूचकांक का दूसरा संस्करण राज्यों को अपने नवाचार पर्यावरण का मूल्यांकन करने, उनकी प्रगति के आकलन को जारी करने में मदद करेगा। तो इसमें आपको याद रखना है कर्नाटक टॉप पर है, ठीक है? दक्षिण भारत का राज्य है। और अगर केंद्र शासित प्रदेशों उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्यों में बात करें हम लोग, तो केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली सबसे ऊपर देखने को मिलेगा आपको, और अगर उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करें, पहाड़ी राज्यों की बात करें, तो इसमें हिमाचल प्रदेश आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? बड़े राज्यों में कर्नाटक, केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली, उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश, इन तीन पॉइंटों को याद रखिए हमेशा। अब बात करते हैं, ये तो हो गया भारत नवाचार सूचकांक, एक है आपका वैश्विक नवाचार सूचकांक। वैश्विक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा कार्नेट विश्वविद्यालय, कर्नेल और ये इंसीर के साथ मिलकर वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया जाता है। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आप जानते हैं कि इसकी स्थापना 1967 में की गई थी, 1967 में, और आपको मालूम होना चाहिए कि इसका मुख्यालय आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। कहाँ? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। देखिए आप लोग जाइए यूरोप में, तो इसका मुख्यालय आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इस तरह के संगठनों से भी कई बार क्वेश्चंस बन जाते हैं, ये स्विट्जरलैंड और ये है आपका जेनेवा, ठीक है? तो इस तरह के संगठनों से क्या बोल रहा हूँ मैं, क्वेश्चंस बन जाते हैं हमेशा, इसलिए तो बोलता हूँ कि संगठनों के बारे में सभी के बारे में याद रखा करिएगा। वैसे आपके जो भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उन्हें कवर करवा दिया गया है, तो महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है उसी में डले हुए हैं, अगर कोई छूटा हो तो बताइए, उसे भी कवर करवा दूंगा। हाल ही में सूचकांक के 8वें संस्करण वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 को जारी किया गया, और इसकी थीम थी हु विल फाइनेंस इनोवेशन, ठीक है? और पिछले साल भारत को 52वां स्थान प्राप्त हुआ था, तो इस साल भारत का स्थान 48वां है, और अर्थात 4 अंकों का सुधार भी हुआ है, और भारत अंडर 15 देशों में शामिल हो गया है। तो आप लोगों को याद रखना है कि 2019 में इसे कौन सा स्थान मिला था, इसे 52वां स्थान मिला हुआ था, लेकिन 2020 का जो इंडेक्स जारी किया गया था ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जिसे आप लोग वैश्विक नवाचार सूचकांक कह देते हैं, तो इसमें अभी आपको 48वां स्थान है, ठीक? डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है इससे वनडे एग्जाम में।
इस सूचकांक में पिछले कुछ वर्षों में भारत लगातार सुधार कर रहा है। आप 2015 में आप देखेंगे 81वें नंबर पर था भारत, 2016 में ये 66वें नंबर पे था, 2017 में ये आपका 60वें नंबर पर था, 2018 में 57, 2019 में ये 52वें स्थान पर था और 2020 में ये 48वें स्थान पर था। तो इनके बारे में याद रखिए, याद रहे कि स्विट्जरलैंड इस सूचकांक में लगातार शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। जो आपने देखा है ना कि इसका मुख्यालय वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन का, जहां मुख्यालय है स्विट्जरलैंड, वो हमेशा टॉप पर है इसमें, ठीक है। तो आपको तो बस यही याद रखना है कि स्विट्जरलैंड टॉप पर है और भारत की स्थिति क्या है, 48वें स्थान पर है। वैसे भी जब भी ये निकलता है तब हम लोग विस्तार से बात करते रहते हैं, ठीक है। तो ये कहानी थी आपके भारत नवाचार सूचकांक के बारे में। इससे देखिए क्लियर है कि क्वेश्चंस बनते हैं और बनते रहेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं एक ही शब्द को, ठीक है, याद रखिए।